जय गुरुदेव बच्चों, आपका इसमें सेकंड चैप्टर एसी क्रिएशन साल चल रहा है। वार्ड में पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप प्राप्त तरीके से नोट्स भी बना रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं न तो क्लास को अटेंड कर रहे हैं न तो नोट्स सेंड कर रहे हैं। सिर्फ 40 अप्रॉक्सीमेट स्टूडेंट है, 40 में से 20 बच्चों का क्लास में रिस्पॉन्स भी आ रहा है, प्राप्त तरीके से नोट्स भी आ रहा है और वो उनका आंसर क्वेश्चन भी अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन 20 ऐसे बच्चे हैं न तो क्लास को अटेंड कर रहे हैं न तो नोट्स बना रहे हैं, सिर्फ क्लास में आते हैं जय गुरुदेव बोल के निकल जाते हैं। ये आपका बिहेवियर बेटा बहुत गंदा है। आप क्लास में आइए, आप प्रॉपर तरीके से क्लास करिए और क्लास करने के बाद आप उसको नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद क्या करिए, उसको आप प्रॉपर तरीके से सेट करिए। लेकिन आप लोगों का ना तो कोई रिस्पॉन्स आता है बेटा ना कुछ। अगर आप अगले क्लास में अगर किसी बच्चों का ऐसा बिहेवियर हुआ तो बेटा मैं सीधे प्रिंसिपल ऑफिस आप लोगों नाम सेंड कर देंगे। 11th क्लासेज चल रही है, 12th क्लासेज चल रही है, वहाँ बच्चे प्रॉपर तरीके से क्लास कर रहे हैं। आप लोग नए नए 10th में रहे हैं, आप बोर्ड पढ़ के समझ रहे हैं बेटा। जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। जो भी टीचर जिस दिन क्लास ले रहा है आप क्लास को करिए और उसको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। जो भी डाउट हो आप पूछिए, अगर आप डाउट नहीं पूछेंगे तो कैसे समझ में आएगा आपको, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आपने करते क्या है कि अभी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उस वजह से एग्जाम के लिए नहीं बचेगा, तो उसके बाद आप सर बता दीजिए तो उसने सर कितनी चीज़ें बताएंगे। इसलिए प्रॉपर तरीके से जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आप NCERT पढ़िए, NCERT के बाद कुछ भी मत पढ़िए, प्लस आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और उसके जो भी डाउट हो आप मुझे पूछिए। ठीक है, जिस दिन क्लास रहती है व्हाट्सएप ग्रुप पे, गूगल क्लासरूम पे, जहाँ पे भी हो आप हमसे अपना डाउट क्लियर करिए। आज के बाद कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलना चाहिए जो सिर्फ क्लास में अटेंडेंस दे के बाहर चला जाता है, नहीं तो पूरी तरह से एक क्लास टीचर और प्रिंसिपल ऑफिस आपका नाम बेटा यहाँ से सेंड कर देंगे, मतलब आपका अटेंडेंस भी नहीं माना जाएगा। CBSE में 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, जो बच्चा क्लास को अटेंड करेगा हम उसी का अटेंडेंस देंगे, जो बच्चा क्लास को अटेंड नहीं करेगा उसको हम नहीं अटेंडेंस। आप अटेंडेंस दे के गायब हो जाते हैं, इस पर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो ऐसे बच्चों का हम अटेंडेंस क्लास टीचर को सेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो बेटा पिछले लेक्चर में हम बात किए थे ब्लीचिंग पाउडर और इसके बारे में बात किए थे बेकिंग सोडा के बारे में। तो बेटा ब्लीचिंग पाउडर में हम बात किए थे, ब्लीचिंग पाउडर फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जिसे क्या बोले CaO2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाते कैसे हैं, जब आप स्लैक लाइम लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, क्लोरीन के साथ मिक्सिंग कराते हैं, क्या बनता था आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता था। फिर इसके बाद इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किए थे, तो वहाँ पर बात की थी जब ब्लीचिंग पाउडर के रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिसका फार्मूला क्या होता है CaCO2। फिर इसके बाद हम बात किए थे ब्लीचिंग पाउडर के रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं, एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड, और कौन सी गैस निकल जाती थी, Cl2 गैस निकल जाती थी। और सेकंड हम बात किए थे कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट, और साथ में कौन सी गैस निकल जाती है, कैल्शियम सल्फेट। फिर सेकंड हम बात किए थे बेकिंग सोडा के बारे में बात किए थे, जिसका फार्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या फार्मूला था बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे क्या बोलते हैं NaHCO3 बनता है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने का प्रोसीजर क्या था आपको पिछले लेक्चर में बेटा बता चुके हैं। ठीक है, इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किए थे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया था, जब बेकिंग सोडा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं क्या बनता था, NaOH बनता था, साथ में कार्बोनिक एसिड बनता है। और सेकेंड अगर आप इसको हीट करते हैं, किसको हीट करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप हीट करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 बनता था। इसके बाद हम बात किए थे एसिड के साथ रिएक्शन, तो एसिड के साथ रिएक्शन मतलब जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं क्या बनता था, NaCl
वाटर और CO2 बनता छोटा है। तो ये दो टॉपिक आपके प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया गया है, आप प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बना लिए होंगे। आज हम दो टॉपिक बात करेंगे, वाशिंग सोडा के बारे में बात करेंगे और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग डालिए वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3.10 मॉलिक्यूल वाटर, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बात सुन पा रही? अब हम बात करते हैं वाशिंग सोडा बनता कैसे है, यहाँ सुनिएगा। वाशिंग सोडा फार्मूला क्या होता है? Na2CO3.10 H2O। अगर आपसे पूछा जाए कि राइट डाउन द फार्मूला ऑफ द वाशिंग सोडा, क्या लिखेंगे? Na2CO3.10 H2O। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन। अब ध्यान सुनिएगा बेटा, अगर हम बात करें तो इसमें दो प्रोसेस होगा। पहले हम क्या कराएंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर सेकेंड हम क्या कराएंगे? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्या कराएंगे? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। उल्टा बात करते हैं वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3.10 H2O। इसका प्रिपरेशन क्या होता है? इसका सबसे पहले क्या कराते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद सेकंड क्या कराते हैं? जब आप इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट मिलता है। अब उस सोडियम कार्बोनेट क्या कराते हैं? रिक्रिस्टलाइजेशन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? वाशिंग सोडा मिल जाता है। बेटा इतना नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या कराएंगे बेटा? थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या कराएंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन, मतलब थर्मल मतलब क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करेंगे बेटा? हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर। ये CO2 गैस है, हमारा निकल जाएगा। तो बेटा जब आपको बेकिंग सोडा बता रहे थे, बेकिंग सोडा में मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा को आप हीट करते हैं, क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट, CO2 और वाटर मिलता है। तो जब आप थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं तो क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। अब इस सोडियम कार्बोनेट में क्या कराएंगे? रिक्रिस्टलाइजेशन कराएंगे। रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब इसमें क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। तो सेकंड डालिए, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट डालिए। फिर आगे हम बात करते हैं। अब क्या होता है बेटा?
अभी सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे। तो रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट को किस में डिजॉल्व करेंगे, वाटर में डिजॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, Na2CO3.10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसी को आप क्या बोलते हैं बेटा, वाशिंग सोडा बोलते हैं। तो बात समझ आ रही बेटा, वाशिंग सोडा कैसे बनाते हैं, पहले आप क्या करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, इस सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन कराएंगे, मतलब इसमें वाटर ऐड करेंगे, क्या मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट डॉट Na2 मॉलिक्यूल, इसी का आप क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा बोलते हैं। बेटा इतना नोट करिए, हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाशिंग सोडा। अब हम बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाशिंग सोडा। आपकी यहाँ पूछा जाता है, जैसे आपने सोडियम कार्बोनेट एक पॉइंट को समझना, सोडियम कार्बोनेट डॉट Na2 मॉलिक्यूल ये दिया गया। अब ये दो टाइप के अगर आप पूछा जाए, यदि पेपर में लिखा गया हीट और दूसरा लिखा गया है एक्सपोज टू एयर, याद सुनिएगा, वाशिंग सोडा का रिएक्शन कर, अगर वाशिंग सोडा को आप क्या करें, हीट कर दीजिए। वाशिंग सोडा को आप जैसे ही हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इस तरह जब आप वाशिंग सोडा को आप हीट करते हैं, आप टेम्परेचर देंगे, वाटर मॉलिक्यूल और पेपर के फॉर्म में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट और क्या मिल जाएगा, Na2। लेकिन जब आप इस इनका वाशिंग सोडा का रिएक्शन एयर के साथ कराते हैं, यहाँ सुनिए बेटा, जब वाशिंग सोडा का रिएक्शन एयर के साथ कराते हैं तो 9 मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है और सिर्फ 1 मॉलिक्यूल क्या होता है, रह जाता है, क्या बने, Na2CO3.H2O+9 मोल ऑफ वाटर। अब आपके एग्जाम में पूछा क्या जाता है कि राइट डाउन द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बनेगा जब आप वाशिंग सोडा के रिएक्शन किसके साथ कराएं, हीट कर दें, वाशिंग सोडा को हीट करें, क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट और प्लस 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब 10 मॉलिक्यूल क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन जब इनका रिएक्शन एयर में ले जाते हैं, एयर में क्या होता है कि 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एलिमिनेट हो जाता है और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इससे क्या होता है, अटैच होता है। पास में मारे, अगर कभी भी आपसे हीट के साथ पूछे ए बनेगा, एयर के साथ पूछेगा बेटा ए बनेगा, इसको नोट करिए, फिर आगे हम चलते हैं। सेकेंड हेडिंग है सॉल्बिलिटी इन वाटर। सॉल्बिलिटी इन वाटर, यहाँ सुनिए बेटा, जब हम सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं, क्या मिलेगा, NaOH मिलता है, क्या मिलेगा बेटा, NaOH मिलेगा प्लस H2CO3। लेकिन हम बात थर्ड बात करें एक्शन ऑफ एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो इतना नोट के बेटा, फिर बाकी रिएक्शन कराते हैं।
रिएक्शन ऑफ एसिड की बात कर रहे हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या ले लें, टू HCl सेकेंड सोडियम कार्बोनेट प्लस H2SO4, यहाँ पे दो रिएक्शन लिए गए हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा पहले समझना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। सोडियम पे चार्ज क्या आएगा, प्लस आता है, सोडियम पे चार्ज प्लस आता है, कार्बोनेट पे चार्ज माइनस टू आएगा, इस एच पे चार्ज आएगा प्लस, और सी एल पे चार्ज आएगा माइनस। एन ए प्लस किसके साथ रिएक्शन करेगा, सी एल पे, ध्यान सुनिएगा, एन ए प्लस सी एल माइनस, यही बने बेटा, सी एल माइनस एन ए प्लस के साथ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है वन प्लस है वन, क्या बना है एन ए सी एल। तो यहाँ पर क्या बन गया, एन ए सी एल। अब देखना यहाँ पर कार्बोनेट पर चार्ज क्या है, सी ओ थ्री माइनस एच प्लस। अब देखिए यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे माइनस टू है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे वन है, ए वन इधर आ जाएगा, ए टू इधर चला जाएगा। तो क्या बना, एच टू, एच टू सी ओ थ्री, क्या बन गया, एच टू सी ओ थ्री। पास में वाले का क्या बनेगा, एच टू सी ओ थ्री बनेगा। अब क्या होता है, एच टू सी ओ थ्री उनका अगर टूट जाता है, अगर ब्रेक हो जाता है, किसमें ब्रेक हो जाता है, एच टू ओ प्लस सी ओ टू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू एन ए सी एल। फिर समझ में आया, मैंने एक क्वेश्चन बैलेंस कर दिया, दो सोडियम थे, दो क्लोरीन थे, यहाँ पे टू एन ए सी एल। अब क्या बनता है, फिर हमारा क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनता है, और कार्बोनिक एसिड क्या होता है, तुरंत हमारा ब्रेक हो जाता है, किसमें डिकम्पोज हो जाता है, किसमें, एच टू ओ एंड सी ओ टू में। पास है हमारी, तो जब भी कार्बोनिक एसिड का रिएक्शन एच सी एल के साथ करा दें, एन ए सी एल बनेगा, और साथ में एच टू ओ प्लस सी ओ टू। यार यहाँ पे दिखा दीजिए, एक उन दोनों को दिखा दिए, दोनों का सही है। पास है हमारी, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब यहाँ चेक करिए, एन ए पे क्या होगा प्लस, कार्बोनेट पे क्या होगा माइनस, टू माइनस, हाइड्रोजन पे चार्ज होता है प्लस, और सल्फेट पे चार्ज क्या होगा माइनस। एन ए प्लस सल्फेट, एक माइनस प्लस के साथ इसके साथ कराएगा, एन ए पे प्लस है और सल्फेट पे माइनस टू है। तो देखिए क्या बनेगा इक्वेशन, एन ए प्लस सल्फेट टू माइनस, मतलब टू वन इधर आएगा इधर गया, क्या बनेगा, एम ए टू एस ओ फोर, सेम ही बनेगा, एच टू सी ओ थ्री। और इसको जैसे हीट करेंगे क्या बन जाएगा, एच टू ओ प्लस सी ओ टू। बेटा इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। बेटा समझ में आ गया होगा, एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बने, एच सी एल के साथ प्रोडक्ट बनाना सिखा दिए गए हैं, कि एन ए प्लस कार्बोनेट माइनस, एच प्लस सी एल माइनस, सी एल पे माइनस वन, एन ए पे प्लस, माइनस प्लस के पास माइनस प्लस के पास जाएगा, तो वन होना क्या बने, एन ए सी एल। यहाँ पे एन ए प्लस सल्फेट टू माइनस है, एन ए प्लस सल्फेट टू माइनस, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे देखिए इधर आ जाए एन ए टू एस ओ फोर वन, उनका क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, एक मिनट एक और आपको छूट गया है, करा दो। रिएक्शन विथ हार्ड वाटर, तो सोडियम रिएक्शन विथ हार्ड वाटर, तो जब सोडियम कार्बोनेट के रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, सी एम सी एल टू के साथ कराते हैं, कैल्शियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बनेगा, एन ए सी एल। अब सुनो बेटा कैसे बनेगा, सोडियम पे चार्ज हमेशा प्लस वन होता है, कार्बोनेट पे चार्ज माइनस टू होता है, चार्ज बेटा आपको याद करना पड़ेगा, कैल्शियम पे चार्ज प्लस टू होता है और क्लोरीन पे चार्ज माइनस वन होता है। माइनस किसके पास आएगा, एन ए के पास, एन ए प्लस सी एल माइनस वन वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, एन ए सी एल। अब यहाँ आप चेक करिए, सी ए टू प्लस कार्बोनेट टू माइनस, ए प्लस इसके पास आएगा, यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे टू है, क्या बनेगा, सी ए टू
CO3 2 ये बनेगा। बड़ा स्टोइकोमेट्री सेम है कि 2 और 2 यहाँ से हटा देंगे, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बन बनेगा। बेटा इसको नोट करिए, फिर हम बात करने जाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे क्या बोलते हैं, पी ओ पी। फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डार्क 1/2 molecule ऑफ एच। या कभी कभी आपके पेपर में क्या मिलेगा, 2 CaSO4 डार्क एच। दोनों का फार्मूले सेम है, पास में आ रही है। अगर 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ 2 कैल्शियम सल्फेट और 2 क्या हो जाएगा, कैसे। कभी कभार आज पेपर मिस्टर भी पूछा जा सकता है, कभी आप पेपर में सर पूछा जा सकता है। तो प्लास्टर आपके लिए इसका फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O molecule या 2 CaSO4 डॉट H2O molecule। अब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते कैसे बेटा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको नोट करिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का तरीका कैसे बेटा, ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 mole ऑफ वाटर। ध्यान सुनिएगा, जब हम जिप्सम को क्या करें, हीट करें, कितने टेम्परेचर पे, 100 degree centigrade या 373 केल्विन तक आप इसको हीट करते हैं, हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। यहाँ सुनिएगा, क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और साथ में क्या निकल जाएगा, मोनो मोनो पॉइंट 2 वाटर मालिक्यूल क्या होगा, इल्यूमिनेट हो जाएगा। ध्यान सुनिए बेटा, ये हमारा क्या होता है, जिप्सम होता है। जिप्सम को अगर बेटा 100 degree centigrade पे या 370 केल्विन पर अगर आप हीट करते हैं तो क्या मिलता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2 molecule ऑफ वाटर और 1/1 upon 2 वाटर मालिक्यूल क्या होता है, इल्यूमिनेट हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पीओपी बोलते हैं। ध्यान रखना बेटा, जब जिप्सम को 100 degree पे हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पीओपी मिलता है। लेकिन यदि इसी जिप्सम को क्या करें, एबव 100 degree हीट कर दें, क्या करें, एबव 100 degree centigrade पर हीट कर दें तो क्या मिलता है, कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 molecule क्या मिलेगा, वाटर। ध्यान सुनो बेटा, इस कैल्शियम सल्फेट को बोलते हैं डेड, नोट कर लीजिए बेटा, जब आप जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O molecule को आप 100 degree centigrade या 370 केल्विन पे, 100 degree centigrade या 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो क्या मिलता है, कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O molecule और साथ में 1/1 upon 2 H2O molecule का इल्यूमिनेट हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन अगर आप जिप्सम को एवं 100 degree centigrade मतलब 100 degree centigrade से ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर देते हैं तो दोनों वाटर मालिक्यूल क्या होते हैं, इल्यूमिनेट हो जाते हैं और हमें क्या मिलता है, कैल्शियम सल्फेट मिलता है। और इस कैल्शियम सल्फेट क्या बोलते हैं, डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आपसे पूछा जाए जिप्सम का फार्मूला क्या होगा, तो कैल्शियम सल्फेट डॉट
H2O मॉलिक्यूल, प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा जाए कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O मॉलिक्यूल, और डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा जाए तो फार्मूला क्या, कैल्शियम सल्फेट बोलेंगे या एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। यदि हमारा वाटर मॉलिक्यूल अटैच है तो क्या बोलते हैं, हाइड्रस। ये हमारा क्या होगा, हाइड्रस। वाटर मॉलिक्यूल अटैच क्या बोलेंगे, हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, इसे भी हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बोलेंगे। लेकिन क्या इस कैल्शियम सल्फेट से कोई वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, नहीं, तो क्या बोले, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ आपको पता है, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ में मेडिकल में हम इसका यूज़ क्या करते हैं, प्लास्टर बनाने में करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसका एक ही आप एग्जाम पूछा जाएगा, रिएक्शन विद वाटर। यहां सुनो, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन इसके साथ कराते हैं, वाटर के साथ क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू H2O, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, जिप्सम। ध्यान से, जब आप जिप्सम को हीट करते हैं क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान से, जब आप इसी जिप्सम को क्या करिए, हीट कर दीजिए, कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन वाटर में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप क्या करिए, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए, हमारा क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। बात समझ में आ बेटा, अगर जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाना है तो आप हीट कर दीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे बनाता है, आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए। इसका यूज़ कहाँ पे, हॉस्पिटल वगैरह में किया जाता है, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हड्डी को जोड़ने में इसका यूज किया जाता है। बेटा आज आपके दो कंप्लीट होते हैं, वाशिंग सोडा प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका कंप्लीट होता है। आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के आप उसको हमें सेंड करिए। तो आज के इतना ही, थैंक यू, नोट कर लीजिए और उसके जो भी डाउट हो आप उनसे